हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड पार मेड इजी की समरी की। और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका पार्ट 14, यानी कि हमने पार्ट 12 डिस्कस कर लिया था। पार्ट 13 क्यों नहीं आया? तो पार्ट 13 इसलिए नहीं आया क्योंकि पार्ट 13 में आपकी एक्सरसाइज दी गई है, तो एक्सरसाइज आप लोग किताब से खुद कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, हम सिर्फ थ्योरी पोर्शन का वीडियो बना रहे हैं। तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो से हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 14 का सेशन आपका डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 14 का सेशन नंबर आपका 39-40 हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज का वीडियो। आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपका कल वीडियो नहीं आया था, तो अब अगला वीडियो आपका मंडे को आएगा। मंडे टू सैटरडे वीडियो आता है, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, आपका मंडे से को आपका अगला वीडियो आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा @अमन त्रिवेदी पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299117042 इस व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट कॉमन फिनोमेना एंड अकरेंस। कॉमन फिनोमेना और अकरेंस के बारे में हम कैसे बात करते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहला वर्ड हमारा है आपका जो रूट वर्ड है, दैट इज पेन्यूरिया। पेन्यूरिया का मतलब क्या होता है? पेन्यूरिया का मतलब होता है नीड, जरूरत, या फिर नीडीनेस। ठीक है, जरूरत महसूस होना, उसे कहते हैं पेन्यूरिया। अगला वर्ड होता है हमारा, तो इसी से जो वर्ड बना वो क्या बना? पेन्यूरियस। OUS आपका सफिक्स है, ये इसमें एडजेक्टिव बना देता है इसको, तो वर्ड हो जाता है आपका पेन्यूरियस। पेन्यूरियस का मतलब हो जाता है वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब। ठीक है, उसे हम कहते हैं पेन्यूरियस। सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? चीप, चिंजी, क्लोज, क्लोज फिस्टेड मैन, मिंजी या माइजली, बहुत ही गरीब व्यक्ति के लिए आ जाएगा आपका पेन्यूरियस। एंटोनिम हो जाएगा बाउंटियस, बाउंटीफुल, चैरिटेबल और जनरस, जिसके पास काफ़ी पैसा है उसे एंटोनिम कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बट ही प्रेजेंट हिमसेल्फ एज सेल्फ इफेसिंग एंड पेन्यूरियस, वो अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे कि वो बहुत गरीब हो। और इसी में आप अगर नेस लगा दो तो क्या बन जाता है आपका? नाउन। तो पेन्यूरियसनेस आपका नाउन हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा पेन्यूरी से ही बनता है पार्सीमोनियस। ठीक है, पार्सीमोनियस आपका क्या है? आपका पार्सीमोनियस, इसी से वर्ड बना, पेन्यूरिया से ही पार्सीमोनियस। OUS लगा है तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। पार्सीमनी मतलब हो गया कंजूसी, तो पार्सीमोनियस मतलब हो गया एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मनी, वह व्यक्ति जो बहुत कम पैसे खर्च करता है, हु इज स्टिंजी, माइजरली। ठीक है, माइजर जिसे कहेंगे उसे कहेंगे आपका पार्सीमोनियस। एडजेक्टिव है तो माइजरली इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो मीन, चीप, चिंजी, क्लोज फिस्टेड, इसे हम कहेंगे सिनोनिम। और एंटोनिम हो जाएगा आपका जेनरस, लिबरल, म्यूनिफिशेंट, ओपन हैंडेड या अनस्पायरिंग। फॉर एग्जाम्पल, दे ब्लेम्ड द एलिंग स्टेट एजुकेशन सिस्टम ऑन अ सीरीज ऑफ पार्सीमोनियस गवर्नमेंट्स, यानी उन्होंने शहर जो देश का स्टेट का एजुकेशन सिस्टम जो बहुत ख़राब है, इसके लिए उन्होंने सीरीज ऑफ पार्सीमोनियस गवर्नमेंट्स को जिम्मेदार ठहराया, यानी कि जो पुरानी आपकी जो बहुत ही कंजूस गवर्नमेंट्स हुई जिन्होंने एजुकेशन पर पैसा नहीं खर्च किया, उनको वो जिम्मेदार बताता है। और पार्सीमनी क्या हो जाता है? पार्सीमनी इज अ नाउन। ठीक, अगला वर्ड हमारा क्या आता है? पार्सीमोनियस आप याद रख सकते हैं, आपको याद होगा कुली मूवी में जो ये कादर खान का जो कैरेक्टर था, दैट वाज वेरी, ही वाज वेरी पार्सीमोनियस, जो पैसा बिल्कुल खर्चता नहीं था, तो ही वाज पार्सीमोनियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पेन्यूरिया से ही आता है। पेन्यूरिया मतलब हो गया नीड या नीडीनेस, तो ये वर्ड आ गया आपका पेन्यूरी। पेन्यूरी मतलब हो जाता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब होने की अवस्था को हम कहते हैं पेन्यूरी। सो डेस्टिट्यूशन, इम्पावरिस्ट या इम्पावरिशमेंट, इंडिजेंस या नेसेसिटी, और एंटोनिम हो जाएगा एफ्लुएंस, ऑपुलेंस या रिचनेस। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड इन पेन्यूरी। ठीक है, वो गरीबी में मर गया। ठीक, चलिए तो अगला वर्ड हमारा आता है इंडिजेंस। इंडिजेंस क्या हो जाता है? इंडिजेंस इज ऑल्सो अ नाउन। ठीक है, इंडिजेंस क्या है? इंडिजेंस भी आपका नाउन है, मतलब हो जाता है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं इंडिजेंस। ठीक है, सो पावर्टी, पेन्यूरी, इम्पावरिशमेंट इसके सिनोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम एफ्लुएंस, ऑपुलेंस, रिचनेस या वेल्थ हो जाएगा। देर आर वेरियस स्टेट एंड फेडरल प्रोग्राम्स टू हेल्प रिलीव इंडिजेंस, यानी कि जो बहुत सारे फेडरल सरकार की तरफ से प्रोग्राम चलते हैं जिनसे गरीबी को दूर करने की कोशिश की जाती है, या आपके जो गरीब हैं उनको मदद करने की कोशिश की जाती है।
ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा इंडिजेंट. अगला वर्ड है आपका डेस्टिट्यूशन. तो डेस्टिट्यूट हो जाता है आपका जो वर्ड है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट हो जाता है आपका अभागा. एडजेक्टिव है डेस्टिट्यूट, इसका मतलब हो जाता है अभागा, जो बहुत ही वंचित है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा, बहुत ही गरीब, बहुत ही वंचित है हर चीज़ों से, उसे कहेंगे डेस्टिट्यूट. और डेस्टिट्यूशन इसी का नाउन हो जाता है, टी आई ओ एन सफिक्स लगेगा तो डेस्टिट्यूशन नाउन हो जाएगा. द फैक्ट ऑफ हैविंग नो मनी फूड एंड अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ, जो भी आपको आवश्यक चीज़ें हैं जीवन में उनका ना होना क्या है, डेस्टिट्यूशन की अवस्था कहलाती है. ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्राइवेशन, इंटीजेंस या रून. एंटोनिम हो जाएगा ऑपुलेंस, रिचनेस, वेल्थ या फिर वेल्दीनेस, उसे हम कहेंगे एंटोनिम. ठीक है, उनका मतलब हो गया जिनके पास सब कुछ है. अगला है आपका डेस्टिट्यूट, आप याद रख सकते हैं इस इमेज के थ्रू, आपको याद होगा माइग्रेंट लेबर्स की ये इमेज आई थी जब लॉकडाउन हमारा शुरू हुआ था, उस समय की बात है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्लो, FLUO, इसका मतलब क्या होता है, टू फ्लो, किसी चीज़ का बहना. ठीक है, और ऐड हो गया, ऐड का मतलब हो जाता है टूवर्ड्स, किसी की तरफ. तो अफ्लुएंस, अफ्लुएंस मतलब हो गया आपका द स्टेट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और बहुत ही धनाढ्य, बहुत ही ज़्यादा रिच व्यक्ति को हम कहते हैं एफ्लुएंस. सिनोनिम हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, इनकम. ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा आउटफ्लो या फिर आउटपावरिंग. ठीक है, जिसके पास पैसा ना हो. सो द 1950s वर एन एज ऑफ एफ्लुएंस इन अमेरिका, 1950s में अमेरिका में बहुत पैसा था एंड दे वर एफ्लुएंट. एफ्लुएंट एडजेक्टिव हो जाएगा और एफ्लुएंस नाउन हो जाएगा. ठीक है, सिंपल वर्ड्स हैं, आज के सभी ने देखे होंगे, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप डेली लाइफ में देखते हैं. ठीक है, सो एफ्लुएंस आप याद रख सकते हैं, मनी हाइस्ट के सीन से जिन्होंने देखी होगी वो रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, सो आपने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉमन फिनोमेना और अकरेंस के बारे में जो हमारे आसपास हो रही हैं. ठीक है, बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में बताता हूँ. अनअकैडमी प्लस पर मेरे जून मंथ के कोर्सेज शेड्यूल हो गए हैं. 1 जून से मेरा नया कोर्स शुरू हो रहा है, दैट इज मास्टर कोर्स ऑन एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन का कोर्स हमारा 1 जून से शुरू हो रहा है. क्लास का टाइम है 8 to 9:30 PM, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. और 8 जून से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, 15 जून से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का और 23 जून से इडियम्स एंड फ्रेजेस का, ये सारे कोर्सेज हमारे शुरू हो रहे हैं. कंप्लीट कोर्स ऑन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर हमारा बेसिक टू एडवांस शुरू चल रहा है ऑलरेडी, 4 to 5:30 PM. ठीक है, इन सारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299117042, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. सो यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर एंड मेरा ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे कोर्सेज देख पाएंगे, उसके बाद आप जितने भी टीचर्स अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं सबके कोर्सेज देख पाएंगे. यू कैन लर्न फ्रॉम बेस्ट एजुकेटर्स, यू कैन टेक डेडिकेटेड डाउट सेशंस, यू कैन डाउनलोड टेक टेस्ट सीरीज, यू कैन डाउनलोड वीडियोस एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड PDFs. आप मेरा रेफरल कोड AMANT यूज़ करेंगे, जिससे आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 5400 का और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 4320 का मिल जाता है. ठीक है, चलिए, आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. हाँ, तो हम बात कर रहे थे, यहाँ तक हमारा हो गया था. अगला वर्ड था हमारा ऑपुलेंस, से ही बनता है ऑपुलेंटस. ऑपुलेंटस मतलब हो जाता है वेल्दी. तो ऑपुलेंस मतलब हो जाता है अ डिस्प्ले ऑफ ग्रेट वेल्थ. ठीक है, जिसमें आप बहुत सारा पैसा दिखा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑपुलेंस, आप दिखावा कर रहे हैं. एसेट्स, कैपिटल, फॉर्चून, मीन्स या रिचेस. द रूम वॉज डेकोरेटेड विद स्टेजी ऑपुलेंस, यानी रूम को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके डेकोरेट किया गया था. एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ऑपुलेंट. ठीक है, सो आपको याद होगा बाजीराव मस्तानी का ये सीन, तो दिस देयर वाज अ डिस्प्ले ऑफ ग्रेट ऑपुलेंस, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा, धनाढ्य, ये सब दिखाया जा रहा था इसमें. ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है, फ्लूओ से ही है, फ्लूड. तो फ्लूड सभी को पता है, फ्लूड मतलब आपको पता है जो भी चीज़ लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड फ्लूड. फ्लोइंग, फ्लूएंट, एंटोनिम हार्ड, नॉन लिक्विड या सॉलिड हो जाता है. द डॉक्टर टोल्ड हिम टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स, डॉक्टर ने उसे काफ़ी ज़्यादा तरल पदार्थ खाने के लिए, पीने के लिए कहा. फ्लू से ही अलग वर्ड हो जाता है हमारा इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस का मतलब हो जाता है आपका जो किसी को इन्फ्लुएंस करे,
ठीक है, यानी कि आप जैसे आप कहते ना कि इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं आजकल, हर जिसको देखो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, ठीक है, आपने सुना ही होगा इन लोगों के मुंह से कि ये फलाने साहब इन्फ्लुएंसर हैं, ये अभी इन्फ्लुएंसर हैं। तो इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है आपका जो इन्फ्लुएंस करे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप सचिन को कोई बिस्किट खाते देखते हैं तो आप भी वो बिस्किट खाने की कोशिश करते हैं, सो दिस इज द इन्फ्लुएंस जो वो आपकी तरफ छोड़ रहा है, मतलब मोटिवेट करना या इन्फ्लुएंस करना, अ पावर टू अफेक्ट पर्सन्स और इवेंट्स, यानी कि लोगों को अफेक्ट करने की, लोगों में बदलाव लाने की, लोगों को प्रभावित करने की जो पावर है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस। और इसी में ER लगा दिया, R लग गया हमारा, मैंने आपको बताया हुआ है वर्ब में R, ER या फिर OR लगता है तो क्या बनता है, नाउन। तो इन्फ्लुएंसर क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, अ पावर टू अफेक्ट पर्सन्स और इवेंट्स उसे कहते हैं इन्फ्लुएंस। सिनोनिम क्या हो जाएगा, अथॉरिटी, क्लाउट या फिर क्रेडिट, सिनोनिम आपके। और वर्ब अगर आप बात करो तो अफेक्ट, इम्पैक्ट, इम्प्रेस, मूव ऑन या फिर रीच, ये आपके हो जाएंगे। हिज वाइफ हैड अ सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिम, यानी कि उसके उसकी वाइफ का उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस याद रख सकते हैं आप, ठीक है, इन्फ्लुएंसर आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा। अगला वर्ड हमारा क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस। तो कॉन्फ्लुएंस का मतलब हो गया कमिंग और फ्लोइंग टूगेदर, मीटिंग और गैदरिंग एट वन पॉइंट, यानी कि दो चीजों का एक जगह पर मिलना उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। सिनोनिम क्या हो सकता है, कॉन्जंक्शन, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस या फिर मीटिंग, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। जैसे दो तरीके के लेंस होते हैं, एक होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस यानी जो सारी रेज को एक पॉइंट पर कर देता है, दूसरा आपका ये लेंस होता है जो कि डाइवर्जेंट लेंस होता है जो रेज को बिखर देता है। क्या नाम है इन लेंस के कमेंट्स में बताना मुझे जरा। दिस पिक्चर शोज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ब्लू नाइल एंड द व्हाइट नाइल। अब देखिए आपको पता है गंगा प्रयागराज में क्या है, त्रिवेणी संगम है, तो कॉन्फ्लुएंस मतलब देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना इन प्रयागराज, गंगा और यमुना नदी आपस में मिलती हैं प्रयागराज में, दिस इज कॉन्फ्लुएंस, इसी को हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्या है आपका, विकेरियस। तो विकेरियस समझिए क्या है, विकेरियस प्लेजर, ही गेट्स द विकेरियस प्लेजर फ्रॉम वॉचिंग मूवीज। तो विकेरियस प्लेजर हम कहते हैं फेल्ट आया हुआ है सीजल में, एग्जाम सीजल में आया हुआ वर्ड है ये, फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड बाय वॉचिंग और रीडिंग अबाउट समबडी एल्स डूइंग समथिंग रादर देन बाय डूइंग इट योरसेल्फ। कहने का मतलब है आप किताब पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं तो आपको पढ़ के मजा आता है, इसी तरीके से आप वीडियोस देखते हैं और वीडियो देख के आपको मजा आता है, वेब सीरीज देखते हैं, आप शोज देखते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, किसी अन्य का वीडियो देखते हैं, तो आपको जो अच्छी फीलिंग आती है, जो भी फीलिंग आती है उसे हम कहते हैं विकेरियस, यानी कि जो देख के या पढ़ के जो आपको अनुभव होता है उसे हम कहते हैं विकेरियस। ही गॉट अ विकेरियस थ्रिल आउट ऑफ वॉचिंग हिज सन स्कोर द विनिंग गोल, यानी कि उसने अपने सन को एक गोल करते हुए देखकर उसे एक विकेरियस थ्रिल हुआ, यानी देख के जो आपको प्लेजर हो रहा है दैट इज विकेरियस। एडवर्ब क्या हो जाएगा, विकेरियसली, ठीक है। अगला वर्ड हो जाता है एफिमरा। एफिमरा क्या है आपका, मे फ्लाई, ठीक है, जो बहुत जल्दी मिट जाए, तो एफिमरल, जैसे आप समुद्र में ये बनाते हैं और जैसे ही रेत पानी आता है वो मिटा देता है, तो एफिमरल का मतलब हो गया लास्टिंग और यूज्ड फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े ही समय के लिए जो आपका एक लास्ट करता है और कहीं पर होता है दैट इज कॉल्ड एफिमरल। एफिमरल इवेनेसेंट का मतलब हो गया टेम्परेरी या शॉर्ट लिव्ड, जो कम समय तक रहे उसे कहते हैं एफिमरल। पासिंग, शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी, ट्रांजिएंट या फिर ट्रांजिटरी। एंटोनिम हो जाएगा लास्टिंग, लॉन्ग लिव्ड, परमानेंट या परपेचुअल या टाइमलेस। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ क्रिटिक्स जॉब टू फॉलो एवरी एफिमरल फैशन, यानी कि क्रिटिक्स का जॉब है कि वो एक हर एफिमरल जो भी शॉर्ट लिव्ड फैशन है उसको भी फॉलो करें। और नाउन क्या बन जाएगा, एफिमरैलिटी, ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने मेरे से नाउन पढ़ा है आपके प्लस कोर्स में, उनको मैंने बताया था कि अगर आप किसी वर्ड में ITY लगाते हैं तो क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने पढ़ाया। इवेनेसेंट, तो वेनेस्को, वेनेस्को का मतलब हो गया वैनिश, और इवेनेसेंट, वेसेंट मतलब हो गया बिगिन टू, तो इवेनेसेंट का मतलब हो गया डिसअपीयरिंग क्विकली फ्रॉम साइट और मेमोरी, बहुत जल्दी आपकी निगाहों से, आपकी मेमोरी से ओझिल हो जाए, उसे हम कहते हैं इवेनेसेंट। जैसे रेनबो बनता है, दैट क्विकली इवेनेसेंट फ्रॉम आर साइट, तो दैट इज कॉल्ड इवेनेसेंट। सिनोनिम हो जाएगा ब्रीफ, डेसिड्यूअस, एफिमरल, फ्लैश, फ्लीटिंग या फगेशियस। एंटोनिम सीजलेस, डेटलेस, डेथलेस, एंडलेस और एंड्यूरिंग।
टॉक इज इवेनेसेंट, राइटिंग लीव्स फुटप्रिंट्स, यानी कि जो हम बात करते हैं दैट इज इवेनेसेंट, और जो लिख देते हैं वो फुटप्रिंट्स छोड़ती है, अपनी बात को छोड़ती है और बहुत लंबे समय तक रहती है. नाउन इवेनेसेंस, और आपका वर्ब भी इवेनेसेंस हो जाएगा. यहां पर भी देखो ई एन सी ही सफिक्स आ रहा है. अगला वर्ड हमारा बनता है फेमी. फीम का मतलब हो जाता है वॉइस, और ईयू का मतलब होता है गुड. ठीक है, ईयू का मतलब अच्छा. तो ईयू इफेमेस्टिक, फेम मतलब बोलना, ईयू मतलब अच्छा, यानी कि अच्छा बोलना. इफेमेस्टिक हो गया दैट मेक्स समथिंग एम्बेरेसिंग और अनप्लीजेंट सीम मोर एक्सेप्टेबल दैन इट इज इट रियली इज. यानी कि कुछ जो बुरा है, जिसे आप बुरा कहोगे, अगर मतलब आप कहोगे तो खराब लगेगा, इसलिए आप उसको कुछ अन्य कह देते हैं. जैसे कि मोदी जी ने हमें बताया कि हम डिसेबल्ड ना कहें, हम उन्हें विकलांग ना कहकर क्या कहें, दिव्यांग. तो दिव्यांग क्या है, दिस इज यूफेमिज्म, इसी को कहते हैं यूफेमिज्म. ठीक है, डिसेबल्ड ना कहकर हम क्या कहें, स्पेशली एबल्ड, तो दिस इज यूफेमिज्म. ठीक है, इसी को हम यूफेमिज्म कहते हैं. वी आर लेटिंग यू गो इज अ यूफेमिस्टिक वे ऑफ सेइंग यू आर फायर्ड, यानी कि अब जो है कॉर्पोरेट में जब जॉब से निकालते हैं तो वो कह देते हैं वी आर लेटिंग यू गो. तो ये कहने से मतलब क्यों, क्योंकि यू आर फायर्ड कहेंगे तो बुरा लगेगा, तो उसकी जगह आप ये कह देते हो शी हैज एक्सपायर्ड. एक्सपायर्ड कहने की बजाय आप कह देते हो शी लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, यानी स्वर्ग की यात्रा पे निकल गई, मतलब शी डाइड. तो कहने का दूसरा तरीका जो कि थोड़ा बेहतर लगे, वो आपने संस्कृत का श्लोक सुना होगा ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, यानी सत्य बोलो लेकिन अच्छा बोलो, अप्रिय सत्य ना बोलो, यानी कि जो बुरा है लेकिन उसे आप अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करके कह रहे हो, जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे. ठीक है, ठीक है. तो आपको याद होगा मुनीषा, याद कर सकते हो यूफेमिस्टिक, जैसे बेरोजगार नहीं आत्मनिर्भर बोलो मुनीषा बेटा, तो ये क्या है, यूफेमिज्म. ठीक है, क्लियर. चलिए अगला वर्ड हमारा क्या है, यूफोनी. फेम मतलब हो गया वॉइस, ईयू मतलब गुड. यूफोनी क्या हो जाता है, द क्वालिटी इन वर्ड्स और साउंड्स ऑफ बीइंग प्लीजेंट टू लिसन टू, यानी कि फोनी मतलब साउंड, ईयू मतलब अच्छा, यानी कि अच्छा साउंड. एंटोनिम क्या हो जाएगा, कैकोफोनी. सच यूफोनी इज हार्ड टू रेजिस्ट, कोयल बोलती है दैट इज यूफोनस साउंड, यानी कि अच्छा साउंड. तो यूफोनस एडजेक्टिव हो गया, यूफोनिक भी एडजेक्टिव हो जाता है. अगला वर्ड क्या है, ईयू मतलब गुड, लॉजी मतलब लोगोस मतलब वर्ड या फिर स्पीच. तो इलॉजी क्या हो जाता है, इलॉजी इज अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी और समथिंग वेरी मच, एक कोई स्पीच या फिर प्रेज ऑफ राइटिंग जो किसी को बहुत अधिक प्रेज कर रही है, बहुत अधिक तारीफ कर रही है, दैट इज कॉल्ड इलॉजी. एंटोनिम हो जाएगा होमेज, हाइमन, पाइन, पेनर्जिक, आपका सैल्यूटेशन, पेनेगैरिक, सैल्यूटेशन, ट्रिब्यूट. ही गेव द यूलॉजी टू ऑन्ट लुइस फ्यूनरल, तो एंटोनिम यूलॉजिस्टिक. यूलॉजी इज अ प्रेज, ठीक है. सो यूलॉजी आप याद रख सकते हो, फकीरी तो है आपके स्वभाव में, तो वट वॉज इट, इट वॉज यूलॉजी. ठीक है, यानी कि ही वॉज ट्राइंग टू प्रेज दैट हिम. ठीक है, अगला है आपका लोगोस मतलब वर्ड या स्पीच, ईयू मतलब गुड. तो यूलॉजिस्ट क्या हो गया, यूलॉजी आपका वर्ब, यूलॉजिस्ट आई एस टी अगर किसी में लगता है तो क्या बनता है आपका कॉमन नाउन, तो एन ओरेटर हु डिलीवर्स यूलॉजीज. ठीक है, यूलॉजिस्ट ऑफ द मार्केट इकोनॉमी यूजुअली अज्यूम दैट इट वर्क्स ऑन परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो मार्केट के बारे में बोलते हैं उन्हें वो अज्यूम करते हैं कि ये परफेक्ट इन्फॉर्मेशन पे काम करती है. और अगर आई जेड आई या फिर आई जेड ई या फिर आई एस ई लगाते हैं तो क्या बनता है, वर्ब. तो यूलॉजाइज क्या हो गया, वर्ब. अगला क्या है, लोगोस मतलब हुआ वर्ड या स्पीच, फिलोलॉजी. तो फिल मतलब हो जाता है आपका आपका लव, लॉजी मतलब लव फॉर वर्ड या स्पीच, मतलब हो गया द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज का साइंटिफिक स्टडी इज कॉल्ड फिलोलॉजी. ठीक है, अगला है मोनोलॉग, पहले भी बता चुका हूं, मोनो मतलब सिंगल, एक व्यक्ति, लॉग मतलब बोलना. तो मोनोलॉग मतलब हो गया लॉन्ग स्पीच बाई वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन दैट स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम स्पीकिंग और एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, यानी कि एक व्यक्ति जब बोलता है तो उसे हम कहते हैं मोनोलॉग. अब देखिए मोनोलॉग आपको याद होगा, अगर आप में से किसी ने ब्रेकिंग बैड देखी होगी तो ब्रेकिंग बैड का ये सीन आपको याद हो. सो शी वॉज स्पीकिंग एंड द अदर पर्सन इंटरप्ट्स, तो शी सेज स्टॉप स्पीकिंग आई हैव द टॉकिंग पिलो, क्योंकि ये मोनोलॉग दे रही थी. मोनोलॉग मतलब जब सिर्फ ये बोलेगी और कोई और नहीं बोलेगा, दिस इज कॉल्ड मोनोलॉग, यानी कि एक व्यक्ति जो बोलता है उसे हम कहते हैं मोनोलॉग.
अगर देखी है ब्रेकिंग बैड तो कमेंट में बताना, याद है सीन नहीं याद है, हो सकता है आपने इतना नोटिस ना किया हो। अगला है आपका लोगोस से ही वर्ड या स्पीच, डायलॉग, डायलॉग मतलब दो लोगों के बीच की, डाया मतलब टू, लॉग मतलब बात, दो लोगों के बीच की जो बात है उसे हम कहते हैं डायलॉग। अगला है एपिलॉग, एपिलॉग होता है अ स्पीच और स्पीच एटसेट्रा एट द एंड ऑफ द प्ले और बुक और फिल्म्स दैट कमेंट्स ऑन एर एक्ट्स एज अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड, यानी कि कंक्लूजन, कंक्लूडिंग रिमार्क जो होता है दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। ठीक है, एपिलॉग मतलब द कंक्लूडिंग रिमार्क विच कंक्लूड समथिंग इज कॉल्ड एपिलॉग। ठीक है, सो एपिलॉग आपको याद होगा एवेंजर्स द एंड गेम, सो एवेंजर्स द एंड गेम द एपिलॉग ऑफ एन एपिक सागा, सो इट वॉज द एपिलॉग ऑफ एपिक सागा, मतलब पूरे जो पूरा सागा था, पूरा जो स्टोरी था उसका एपिलॉग है, यानी कंक्लूजन है ये। ठीक है, अगला है आपका यूफोरिया, तो ईयू मतलब गुड, फोरिया मतलब हो गया, यूफोरिया मतलब हो गया एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट दैट यूजली लास्ट ओनली अ शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दैट इज कॉल्ड यूफोरिया, और बहुत लंबे समय तक रहे। ठीक है, यूफोरिया बेसिकली क्या है आपका, जब आर्कमिडीज प्रिंसिपल, आर्कमिडीज को पता लगा था, ही शाउटेड इस यूफोरिया। ठीक है, पैराडाइज रैप्चर, रैप्सोडी, सेवेंथ हेवन या सून हो जाएगा, एंटोनिम डिप्रेशन, आई वॉज इन ए स्टेट ऑफ यूफोरिया ऑल डे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे जिस दिन आपका आपका सिलेक्शन होगा यू विल बी इन ए स्टेट ऑफ यूफोरिया दैट टाइम, तो जब आप बहुत खुश होगे, यूफोरिया क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा यूफोरिक। ठीक है, सो यूफोरिया आप याद रख सकते हो इस मीम के थ्रू, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, दैट इज यूफोरिया। ठीक है, अगला है थैनेटोस, ठीक है, थैनेटोस, थानोस से याद कर लो, थैनोस क्या था, डेथ मारना चाहता था, थैनेटोस डेथ, ईयू मतलब गुड, तो यूथेनेशिया मतलब हो जाता है द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग विदाउट अ पेन, विदाउट पेन अ पर्सन और एनिमल हु इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, यूथेनेशिया हम कहते हैं इच्छा मृत्यु, यानी कि कोई व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से किसी प्रे किसी डिसीज या फिर किसी बीमारी से गुजर रहा है तो उसको एंड करने के लिए वो इच्छा मृत्यु की रिक्वेस्ट कर सकता है, यूथेनेशिया उसे कहते हैं, यूथेनेशिया ऑफ पीपल इज इलीगल इन मोस्ट कंट्री, ज़्यादातर देशों में इसे इलीगल करा गया है। ठीक है, आपको याद होगा ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी गुजारिश, ठीक है, इसमें यूथेनेशिया पर ही ये मूवी बनी है जिसमें ऋतिक रोशन इच्छा मृत्यु की अपील करता है, ही वॉन्टेड टू डाई। ठीक, अगला है आपका बैडिनेज, बैडिनेज हो जाता है आपका फ्रेंडली जोकिंग बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में फ्रेंडली बात, फ्रेंडली जोक वगैरह करना, दैट इज कॉल्ड बैडिनेज। सिनोनिम हो जाएगा बैक चैट, बैंटर, शैफ, गिव एंड टेक, जेस्टिंग। मिस्टर गोरिंग वॉज इन नो मूड ऑफ इंटेलेक्चुअल बैडिनेज। ठीक है, तो अगर आपने फ्रेंड्स देखा होगा तो इफ यू रिमेंबर दिस सीन, आई एम गोइंग टू प्रिटेंड आई एम मूविंग टू यमन, इट्स द ओनली वे आई कैन गेट रिड ऑफ हर, सो ही सेज ओ गुड एंड यमन दैट एक्चुअली साउंड्स लाइक अ रियल कंट्री, सो ही प्लेड अ वेरी स्टूपिड कैरेक्टर इन दैट। सो बैडिनेज इज मतलब यही जो बात है, दिस इज जो ये जो पूरी बात है, कन्वर्सेशन है, दैट इज कॉल्ड बैडिनेज, अ फ्रेंडली और जोकिंग जो आपका बात है इसे कहते हैं बैडिनेज। ठीक, अगला है पर्सिफ्लेज, ठीक है, पर्सिफ्लेज क्या है, कमेंट्स एंड जोक्स इन विच पीपल लाफ एट ईच अदर इन फेयरली अनकाइंड बट नॉट सीरियस वे। ठीक है, बट नॉर्मली उसे कहते हैं पर्सिफ्लेज, ठीक है, जिसमें लोग एक दूसरे की बातों पर हंसते हैं, एक दूसरे पर हंसते हैं, सो दिस वॉज ऑल्सो पर्सिफ्लेज में भी आप इसी को याद रख सकते हैं। Everyone thought that the persiflage between the actor and his wife was hilarious conversation. ठीक है, the next is cliche. ठीक है, cliche is very important word. Cliche क्या होता है, a phrase or an idea that has been used so often that it no longer has much meaning and it is not interesting. Cliche मतलब हो जाता है कि कुछ ऐसा फ्रेज या कोई ऐसी बात जिसे इतनी बार कहा गया है, इतनी बार इस्तेमाल किया गया है कि अब उसमें कोई नई बात नहीं बची है, इसे कहते हैं क्लीशे। इसके लिए एंटोनिम या सिनोनिम याद रख सकते हैं बेनेलिटी, ब्रोमाइड, चेस्टनट, कॉमन प्लेस, ग्रोनर। इट हैज़ बिकम अ क्लीशे टू से दैट प्रेग इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी इन यूरोप। ठीक है, तो बॉलीवुड में अक्सर क्लीशे का इस्तेमाल होता है, जैसे ये डायलॉग आपने बहुत सारी मूवीज में सुना होगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, सो वॉट इज इट, इट्स अ क्लीशे डायलॉग। ठीक है, जो हर मूवी में हर बहुत बार आ चुका है। ठीक है, अगला है हमारा प्लैटस, प्लैटस का मतलब हो जाता है ब्रॉड या फ्लैट, तो प्लैटिट्यूड,
प्लैटिट्यूड का मतलब हो गया एक ऐसा कमेंट जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, वही क्लीशे का सिनोनिम हो जाता है प्लैटिट्यूड भी। कॉमन प्लेस रिमार्क क्लीशे, ये भी प्लैटिट्यूड है, इसे भी हम प्लैटिट्यूड में काउंट कर सकते हैं। सो पॉलिटिकल स्पीच इज फुल ऑफ प्लैटिट्यूड्स एंड एम्प्टी प्रॉमिसेस, वही पुरानी बातों जो हम क्लीशे जो बार बार सुन चुके हैं उनसे भरी हुई थी और एम्प्टी प्रॉमिसेस से भरी हुई थी, ठीक है। अगला है ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड इज अ केमिकल विच कंटेन्स ब्रोमीन या फिर यूज स्पेशली इन पास्ट टू मेक पीपल फील काम, फॉर्मली प्लैटिट्यूड से बोले ट्रोप फ्रूज हम याद रख सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड, ये ज्यादा इस्तेमाल में अब नहीं होता है हमारे। इसके अलावा प्लैट्यू, प्लैट्यू आप सबको पता होगा, प्लैट्यू हिंदी में हम जिसे पठार कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ऊपर का एरिया है देखिए ये प्लेट की तरह है, एकदम प्लेन है, राइट, इसीलिए दैट इज कॉल्ड प्लैट्यू। तो एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज हायर ऑन द हायर दैन द लैंड अराउंड इट, दैट इज कॉल्ड प्लैट्यू। तो एल्टीपानो मेसा टेबल, इसे टेबल लैंड कह सकते हैं, अ प्लैट्यू कवरिंग हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। द नेक्स्ट इज प्लेट, अ शीट ऑफ मेटल और वुड और ग्लास और प्लास्टिक, दैट इज कॉल्ड प्लेट। आप सबको पता है इसमें कुछ खास नहीं है। प्लेट ये भी होता है, प्लेट अगर वर्ब की तरह इस्तेमाल हो तो कहते हैं कि गोल्ड प्लेटेड वॉच है या गोल्ड प्लेटेड रिंग है, दैट इज ऑल्सो प्लेट। तो ये भी आपको पता हुआ है। प्लैटर हो जाएगा लार्ज प्लेट दैट इज यूज फॉर सर्विंग फूड, तो प्लैटर हम इसे भी कहते हैं जो आपका एक बड़ा सा प्लेट जिसमें खाना परोसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लेट, प्लैटर, ठीक है। सो आई विल हैव द स्टीक एंड चिकन कॉम्बो प्लैटर, तो दैट इज कॉल्ड प्लैटर, ठीक है। सो ये हमारे सारे वर्ड थे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8299117042 इस नंबर पे, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @ अमन त्रिवेदी, आपको वहाँ पे भी पीडीएफ मिल जाएगी। आई विल सेंड यू द पीडीएफ देयर, आई विल अपलोड द पीडीएफ देयर। वीडियो के अपलोड होने के करीब 4-5 घंटे बाद पीडीएफ अपलोड होगी, तो आप इसका धैर्य रखिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, प्लीज़ सभी लोग एटलीस्ट दो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, दैट विल बी इनफ फॉर मी। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, अगला वीडियो आपका मंडे को आएगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।